हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अंडरस्कोर बाबोसा। और आप जैसा देख रहे हैं, मैं अभी कहीं जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ लखनऊ आज, और लखनऊ इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो मछली आपने देख लिया हुआ टाइटल में, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और इसलिए उसको दिखाने हम लोग को जाना पड़ रहा है लखनऊ। और ये व्लॉग आप पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इस व्लॉग में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो कि नेक्स्ट व्लॉग जो आने वाले हैं उससे रिलेटेड है। और आप बने रहिए साथ में, और बस चलते हैं लखनऊ। तो बस अभी सबसे पहले तो ये एक है कि वहाँ पहुँच के ये देखना है कि इसका खर्चा कितना आएगा, क्योंकि उम्मीद है कि सस्ते में हो जाए। और इसका कोई सेकंड हैंड पार्ट या कोई ऐसा पार्ट तो मिला नहीं, या मिलता भी नहीं है, मैंने ट्राई भी किया है। तो देखते हैं कितना क्या खर्चा आता है। थोड़ा ये आप बोल सकते हो कौन से हैं, मतलब ज़्यादा महंगी गाड़ी को मेंटेन करने का, और कोई भी नॉर्मल गाड़ी अभी जैसे घर पे और है तो 500-600 हज़ार रुपये में वही लोकल में हो जाता है। लेकिन अभी इसको है तो इसको तो अभी लखनऊ लेके जा रहे हैं इसकी मरम्मत कराने। और अभी ये तो एकदम मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा, क्योंकि मैंने तो पहले प्लान किया था कि अभी इसकी सर्विसिंग भी का ड्यू हो ही गया है, क्योंकि और आई थिंक सो 15-20 दिन ऊपर हो गए हैं सर्विसिंग की डेट को, लेकिन अभी इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो आज तो हम लोग सिर्फ इसको इंस्टॉल करा के वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभी 2 दिन बाद घर पे एक फंक्शन भी है। और फंक्शन ये है, अगर कोशिश करूँगा कि उसका ब्लॉग आप लोग के साथ लाऊँ, शेयर करूँ। छोटी बेटी का बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है उसका, तो वो हम लोग इस बार सेलिब्रेट अपने गांव में कर रहे हैं। और जो उनके बाबा हैं या हमारे फादर हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने गाँव में करेंगे। और मेरा भी ये डिसीज़न था, क्योंकि अच्छी चीज़ है बच्चों को अपने संस्कार और कहाँ गांव है क्या गांव है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग बच्चों को पता ही नहीं रहता है, शहर में ही पैदा होते हैं, वहीं पल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। तो बचपन से अगर उनको ये चीज़ें सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कल्चर और जो बाकी चीज़ें मैं बोलता हूँ बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन और कहाँ से आप आए हो, कहाँ से आप की जड़ें जुड़ी हैं, ये पता होना चाहिए अपने बच्चों को। और ये जो सामने भी बस आप देख रहे हो ना, ये अभी बस ऐसे चला रहा था ना कि मतलब लिटरली मतलब ऐसा लगा कि अभी पलट जाएगी। आपको याद होगा अभी लास्ट में ब्लॉग डाला था महाकाल का, जब हम लोग उज्जैन गए थे फैमिली के साथ। और पहले चैप्टर में एक जगह थी बनी जहाँ पर नाश्ता करने की हम लोग ने बात करी थी, लेकिन वो नाश्ता नहीं कर पाए थे क्योंकि डाइवर्जन था और भूल भी गया मैं। तो आज अभी जब इसको हम लोग जा रहे हैं आगे का ग्रिल सही कराने, तो आज लखनऊ ही जा रहे हैं। और आज वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो दोपहर का टाइम है, लेकिन ठीक है आज हल्का फुल्का लंच का स्नैक्स वहीं हम लोग करेंगे। तो आपकी किस्मत है, हो सकता है ऊपर वाले ने इसीलिए वो ग्रिल किसी ने निकाली कि एटलीस्ट वो मैं आपको स्पॉट दिखा पाऊँ। तो मैं तो यही मानता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कभी भी हमें किसी चीज़ पर डाउट नहीं करना चाहिए, सब ऊपर वाले के हाथ में है। और बस हर चीज़ पॉजिटिव लीजिए, तो मैंने तो इसी को ऐसे पॉजिटिव लिया कि वो स्पॉट आपको नहीं दिखा पाया था, तो एटलीस्ट इस बहाने आपको वो आज मैं स्पॉट दिखाऊंगा। वहाँ छोले और समोसे खाएंगे, चाय पियेंगे और देखते हैं वहाँ क्या क्या होता है। तो दोस्तों ये हम लोग आ गए बनी, ये देखे रखे हैं सामने खस्ते और ये रहे समोसे गरम गरम। तो अभी पहले तो खस्ते लूँगा, क्योंकि आप देख रहे हो मन कर रहा है इतना क्रिस्पी की मैं उठा के ऐसे लग रहा खाई लूँ, लेकिन अभी नहीं कर सकते। तो अभी भैया ये खस्ते ले रहे हो, तैयार कर रहे हैं खस्ते लेके। ये पहले पूरा क्रश करते हैं अच्छी तरीके से, आप देख रहे होगे। और क्रश करने के बाद ये अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर से छोला डालते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे डालते हैं। ये देखिए बगल में रखा है इतना बड़ा सा, वो पूरा छोला डालते हैं। और उसके बाद छोला डालने के बाद आप डायरेक्टली ऐसे भी ले सकते हो, और ऑप्शन रहता है कि आप चटनी में डलवा सकते हो। तो मैं तो दोनों चटनी डलवा रहा हूँ, ये आ गई मीठी चटनी और इसके बाद इसमें डलवाएंगे अपन लोग हरी चटनी। और इस अब इसको लेते हैं और खाते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है। और ये है समोसा, समोसा भी बहुत बढ़िया है, मैंने हरी चटनी इसमें पड़वाई है, और खाते हैं इसको। तो गाइस अभी हम लोग ऑडी सर्विस लखनऊ तो आ गए, और ये गाड़ी अभी बस मैंने लगाई है, पर इसका मैं दिखाता हूँ आपको एक्चुअली में क्या निकला है। और ये आप देख रहे हैं ना नीचे,
ये किसी ने प्रॉपरली उसको निकाला है, क्योंकि ये टूटा नहीं है, ना कहीं लगी है। लगी होती तो बॉडी के अंदर था, बॉडी में कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली में इस तरह का लगता है। तो अभी बात करिए विनीत जी से अंदर। तो अभी पार्ट तो नहीं अवेलेबल है, और अभी उन्होंने बोला है कि इसमें 4-5 दिन का टाइम लगेगा। 4500 रुपये का कुछ खर्चा बता रहे हैं छोटे से पार्ट का, तो महंगा पार्ट है। तो अब ये है कि 4-5 दिन बाद इसका पार्ट आएगा, तो अभी तो आज नहीं हो ये सही हो पाएगा। तो अभी तो मैं गाड़ी लेके वापस चला जा रहा हूँ। तो 28 के लिए मैंने इनको बोला है, तो 28 को गाड़ी पिकअप करा लेंगे। तो ये कि इनकी अच्छी फैसिलिटी है कि ये अपना पिकअप करा लेते हैं, तो 28 को पिकअप भी करा लेंगे। और फिर मैंने इनको सर्विसिंग के लिए भी बोल दिया है, तो फिर ये सर्विस और ये दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो अभी बस अंदर पेपर वर्क चल रहा है, तो बस पेपर वर्क ख़त्म करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो ये जो सामने आप देख रहे हो, ये नई ऑडी Q3 है। बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड किया है, आगे से ग्रिल पूरी बहुत अच्छी लग रही है। अभी तो वो वाला मेरा जो मॉडल है वो तो डिसकंटिन्यू कर दिया था कंपनी ने कुछ साल पहले, और बहुत अच्छी लग रही है। अभी तो ये खड़ी हुई है, एकदम नई गाड़ी है। आपको मैं इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। तो काफ़ी कुछ अपग्रेड है, अंदर पूरी स्क्रीन दी हुई है। तो नाइस वर्क ऑडी, उस पर तो दिल आ गया भैया। तो हेलो गाइस, तो अभी जैसे आपको दिखाया था कि पार्ट तो वहाँ अवेलेबल नहीं था, तो अभी तो मैं बैक टू कानपुर के लिए रवाना हो गया हूँ। तो थोड़ा तो भागना पड़ गया आज, क्योंकि काम नहीं हुआ, थोड़ा सा तो डिसअपॉइंटेड हूँ। लेकिन बस एक ही अच्छी सी चीज़ है कि आज वहाँ गया तो ऑर्डर हो गया, और ऑर्डर उन्होंने बोला कि 28 को आ भी जाएगा, उनको 2-3 दिन लगता है। तो उसी बहाने मैंने उनको फिर टेस्ट राइड भी करा दी, क्योंकि सर्विसिंग का टाइम हो रहा था, आपको मैंने बताया ही था। तो 28 को ये पिकअप करा लेंगे, काफ़ी अच्छी सर्विस है। तो एटलीस्ट उतना एक काम हो गया कि इसकी सर्विसिंग की डेट फिक्स हो गई और वो सर्विस हो जाएगी। क्योंकि आपको बताइए कि हम लोग आने वाले ट्रिप्स हम जाने वाले हैं नेक्स्ट वीक, और ये जो ट्रिप है काफ़ी एक्साइटिंग और बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं आप लोग बने रहिए साथ में, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो आने वाली जो ट्रिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको थ्रिल देने वाली हैं। और जो इस बार हम लोग जा रहे हैं, मैं अभी सस्पेंस रखूँगा कहाँ जा रहे हैं, बस आपको मैं इतना हिंट दूंगा कि हम लोग अभी मध्य प्रदेश जा रहे हैं। और कई लोगों की डिमांड थी, कुछ सब्सक्राइबर थे जिन्होंने लास्ट 2-3 ब्लॉग्स में मुझसे बोला कि T28 नहीं दिख रहे हैं आपको। तो आप लोगों की बात को मना तो नहीं कर सकते, तो इस ट्रिप में T24, T28 साथ में रहेंगे। तो मध्य प्रदेश जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में कहाँ जा रहे हैं ये अभी नहीं बताऊँगा, ये सस्पेंस है। और अगर आपको थोड़ा भी कोई हिंट है कहाँ जा रहे हैं तो आप कमेंट करिए। आपको बस मैं ये हिंट देता हूँ कि वाइल्ड लाइफ का एक पैराडाइज है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। और इस बार जो व्लॉग्स आएंगे उसमें कुछ हम लोग ने नया सोचा है, तो वो आपके सामने रखेंगे। और इस बार सबसे पहले हम लोग वहाँ जब जा रहे हैं, तो अभी हम लोग ने कई सारे अपने गैजेट्स इस बार अपग्रेड करे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। तो एक पूरा वो गैजेट्स का पूरा एक ब्लॉग आपके सामने रखूँगा जब वहाँ पहुँचेंगे, कि कौन कौन से गैजेट्स वी विल बी यूजिंग इन दिस ट्रिप। और काफ़ी ज़्यादा गैजेट्स हैं इस बार, और काफ़ी प्रोफेशनल और हाई एंड गैजेट्स हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक उसका ब्लॉग आएगा, तो प्लीज़ बने रहिए साथ में। और बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ एक नई डेस्टिनेशन पे, एक नई ट्रिप पे, एक नया एडवेंचर और एक नया थ्रिल लेके। तब तक के लिए बाय।